Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Welcome to Medical Medics. Today the topic of our discussion is descending tracts. इससे पहले वाली वीडियोस के अंदर हमने पिरामिडल ट्रैक्स की बात की थी और एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स में हमने इन दो ट्रैक्स की बात कर ली थी. ये दो ट्रैक्स हमारे पास इन्वॉल्व थे एक्सटेंसर मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए. अब नेक्स्ट जो इस पार्ट की वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे रुब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट की. रुब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट का क्या मतलब है कि मिड ब्रेन के अंदर हमारे पास जो सुपीरियर कॉलिकुलस का लेवल होता है उधर हमारे पास एक न्यूक्लियर दो न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं रेड न्यूक्लियस. तो उसमें से जो ट्रैक ओरिजिनेट करता है उसको हम बोलते हैं रुब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट. अब ये जो रुब्रोस्पाइनल ट्रैक है ये पर्टिकुलरली इन्वॉल्व होता है फ्लेक्सर्स मसल्स को एक्टिवेट करने में और इनहिबिट करता है ये एक्सटेंसर्स मसल्स को. इसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझेंगे. तो इस डायग्राम को हम ड्रॉ कर लेते हैं. ये हम क्रोनल व्यू देख रहे हैं सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स का और ब्रेन स्टेम का. सो दिस वन इज द दीज आर द सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स. सेरिब्रल हेमिस्फेयर ये इंसुला वाला रीजन आ गया, ये लोअर पार्ट आ गया. दिस वन इज द मिड ब्रेन, दिस वन इज द पॉन्स और उसके नीचे हमारे पास आ जाता है मिडला. मिडला के नीचे हमारे पास शुरू हो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड. अब स्पाइनल कॉर्ड का हम शुरू करेंगे ट्रांसवर्स सेक्शन जिसमें सेंट्रल हमारे पास प्रेजेंट होता है ग्रे मैटर. इस ग्रे मैटर के हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न होते हैं और एंटीरियर हॉर्न होते हैं. पोस्टीरियर हॉर्न सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके जा रहे होते हैं जबकि जो एंटीरियर हॉर्न होते हैं वो मोटर एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. तो हमने बात की कि दिस वन इज़ अ मिड ब्रेन. अब मिड ब्रेन के बिहाइंड हमारे पास दो स्वेलिंग्स प्रेजेंट होती हैं. यानी अगर ये मिड ब्रेन का बिहाइंड अगर हम साइड से देख रहे हैं तो इसके बिहाइंड दो ऐसी ऊपर दो स्वेलिंग प्रेजेंट होंगी और नीचे दो स्वेलिंग्स प्रेजेंट होंगी. ऊपर वाली को हम बोलेंगे सुपीरियर कॉलिकुलस जो कि इन्वॉल्व होती हैं विजुअल रिफ्लेक्सेस के अंदर और नीचे वाली को हम बोलेंगे इन्फीरियर कॉलिकुलस. इन्फीरियर कॉलिकुलस इन्वॉल्व होती हैं इन द ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस. इसको हम ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मिड ब्रेन से भी समझ लेते हैं. दीज आर द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द मिड ब्रेन. ये है एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस, ये है एट द लेवल ऑफ इन्फीरियर कॉलिकुलस. तो इसमें हम देख सकते हैं कि जब सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर हम ट्रांसफर सेक्शन लेते हैं मिड ब्रेन का तो हमें कुछ इस तरह से आता है. तो दीज आर द न्यूक्लियाई विच आर कॉल्ड द रेड न्यूक्लियाई. अब इस रेड न्यूक्लियस से जो फाइबर ओरिजिनेट करते हैं उन फाइबर्स को हम बोलते हैं रुब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट्स. अब यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट है रेड न्यूक्लियाई, इसमें से ओरिजिनेट करेंगे रुब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट. अब ये जो फाइबर ओरिजिनेट करते हैं ये अल्टीमेटली क्रॉस कर जाते हैं. क्रॉस करने के बाद कॉन्ट्रालेटरल साइड पे आके नीचे की तरफ डिसेंड करते हैं एज द रुब्रोस्पाइनल ट्रैक्ट. नीचे की तरफ डिसेंड करते ही ये आ जाएंगे ऑन द लेटरल वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. लेटरल वाइट कॉलम ऑफ स्पाइनल कॉर्ड के अंदर आ जाएंगे. फिर यहाँ से ये मूव कर जाएंगे इनटू द इंटीरियर वाइट इंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. यहाँ पे आके ये साइनैप्स करेंगे इंटरनेंशियल न्यूरॉन्स के साथ. इंटरनेंशियल न्यूरॉन्स का काम क्या होता है कि ये कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं विद फ्रॉम द अपर मोटर न्यूरॉन को लोअर मोटर न्यूरॉन के साथ. तो इंटरनेंशियल न्यूरॉन के साथ ये साइनैप्स कर देंगे. अब ये जो इंटरनेंशियल न्यूरॉन्स होते हैं ये आगे जाके दो तरह के फाइबर्स के साथ साइनैप्स करते हैं. एक होते हैं अल्फा मोटर फाइबर्स और एक होते हैं गैमा मोटर फाइबर. जब हम पर्टिकुलरली मसल्स की बात करते हैं हमने पहले भी बात की थी कि मसल में हमारे पास दो तरह के फाइबर्स होते हैं. जो पेरिफ्री में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं उनको हम बोलते हैं एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स. तो जो पेरिफ्री में यहाँ पे फाइबर्स प्रेजेंट होंगे उनको हम बोलेंगे एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर, जबकि जो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं इनको हम बोलते हैं इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स. इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स. तो जो अल्फा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं इन एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स को और जो गैमा मोटर न्यूरॉन्स होते हैं वो स्टिमुलेट करते हैं इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स को. तो यहाँ से इंटरनेंशियल न्यूरॉन्स इन दो फाइबर्स को स्टिमुलेट करेगा अल्फा को और गैमा को. यहाँ पे हम मसल ड्रॉ कर लेते हैं.
पेरिफेरी पे एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर्स होंगे तो अल्फा जो मोटर न्यूरोन होगा वो इनको स्टिमुलेट कर देगा। सेंटर में हमारे पास इंट्रा फ्यूजल फाइबर्स प्रेजेंट होंगे, जो गैम्बा मोटर न्यूरोन होगा वो इनको स्टिमुलेट कर देगा। जब हम रूब्रो स्पाइनल ट्रैक की बात करते हैं तो ये पर्टिकुलरली स्टिमुलेट करते हैं फ्लेक्सर्स मसल को, जबकि जो हमने बात की थी वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक और पोंटो रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक की, वो स्टिमुलेट कर रहे थे एक्सटेंसर्स मसल को, यानी वो इसके ऑपोजिट काम को करवा रहे थे। अब हम बात कर रहे हैं रूब्रो स्पाइनल ट्रैक की, और इससे अगली वीडियो के अंदर हम जो मेडुलरी रेटिकुलर फॉर्मेशन होती है, यानी मेडुला के अंदर जो रेटिकुलर फॉर्मेशन से जो फाइबर्स निकलते हैं उनको हम बोलते हैं मेडुलरी रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक। तो जो मेडुलरी रेटिकुलो स्पाइनल ट्रैक होता है और जो रूब्रो स्पाइनल ट्रैक होता है, ये पर्टिकुलरली स्टिमुलेट कर रहा होता है फ्लेक्सर्स मसल्स को, और ये इनहिबिट कर रहा होता है एक्सटेंसर्स मसल्स को। तो इसने ये फ्लेक्सर मसल को एक्टिवेट कर दिया। अब कुछ और हमारे पास कोलेटरल ब्रांचेस भी आती हैं, कि यहाँ पे हमारे पास सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स प्रेजेंट होते हैं। अब सेरिबेलम के अंदर जब हम डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई की बात करते हैं तो हमारे पास चार न्यूक्लियाई होते हैं, जिसको हम याद रखते हैं डोंट ईट ग्रीसी फूड्स, यानी डी स्टैंड फॉर द डेंटेड न्यूक्लियस, ई स्टैंड फॉर द एम्बोलीफॉर्म न्यूक्लियस, जी स्टैंड फॉर द ग्लोबोस न्यूक्लियस एंड एफ स्टैंड फॉर द फेस्टिजियस न्यूक्लियस। तो जो एम्बोलीफॉर्म न्यूक्लियस और ग्लोबोस न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं डीप सेरिबेलम के अंदर, डीप सेरिबेलर न्यूक्लियाई होते हैं ये स्टिमुलेट करते हैं इस कॉर्टिको इस रूब्रो स्पाइनल ट्रैक को। यानी यहाँ पे हमारे पास प्रेजेंट हो गए ग्लोबोस और एम्बोलीफॉर्म, ग्लोबोस और एम्बोलीफॉर्म ये फाइबर्स देंगे एक्साइटेटरी फाइबर जो कि इसको एक्टिवेट करेंगे। उसके अलावा ये कम्युनिकेशन करता है विद द सेरिब्रल हेमिस्फेयर्स, यानी कॉर्टेक्स के साथ भी ये कम्युनिकेट करता है। यहाँ से फाइबर्स आएंगे ऊपर से सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ये भी इसको एक्टिवेट करेंगे। इसी तरह यहाँ पे भी एम्बोलीफॉर्म न्यूक्लियस और ग्लोबोस न्यूक्लियस प्रेजेंट होंगे, वो भी आगे इसको एक्टिवेट करेंगे। जब हमने एक्सटेंसर मसल को एक्टिवेट करने वाले फाइबर्स ट्रैक्स की बात की थी तो वहाँ हमने देखा था कि जब हमने वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक की बात की थी तो वहाँ पे हमने देखा था कि जो फेस्टिजियल न्यूक्लियस था, यहाँ पे हमने देखा कि एम्बोलीफॉर्म और ग्लोबोस न्यूक्लियस एक्टिवेट करा है, जबकि जो फेस्टिजियल न्यूक्लियस होता है वो एक्टिवेट करता है वेस्टिबुलो स्पाइनल ट्रैक को, जबकि जो ग्लोबोस और एम्बोलीफॉर्म न्यूक्लियस हैं वो एक्टिवेट कर रहे हैं रूब्रो स्पाइनल ट्रैक को एक्टिवेट कर रहे हैं ग्लोबोस एंड एम्बोलीफॉर्म। अब ये जो कॉर्टेक्स से हमारे पास फाइबर्स आ रहे हैं टूवर्ड्स द रेड न्यूक्लियस, इन फाइबर्स को हम बोलते हैं कॉर्टिको रूब्रल फाइबर्स। कॉर्टेक्स से आ रहे हैं कॉर्टिको, रेड न्यूक्लियस की तरफ आ रहे हैं तो हमने कह दिया रूब्रल, कॉर्टिको रूब्रल फाइबर्स। ये भी क्या होते हैं, एक्साइटेटरी होते हैं। तो अब हम इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं। रूब्रो स्पाइनल ट्रैक एक्टिवेट करता है फ्लेक्सर्स मसल को, इनहिबिट करता है ये एक्सटेंसर्स मसल्स को। रेड न्यूक्लियस इज सिचुएटेड इन द टेगमेंटम ऑफ द मिडब्रेन एट द लेवल ऑफ सुपीरियर कॉलिकुलस। इसको हमने डायग्राम में भी देखा था कि सुपीरियर कॉलिकुलस के लेवल पर टेगमेंटम के अंदर ये प्रेजेंट होता है रेड न्यूक्लियस। एक्सॉन ऑफ द न्यूरॉन इन दिस न्यूक्लियस क्रॉस इन मिड लाइन वेंट्रल टेगमेंटल डीकसेशन, जिसको हम बोलते हैं डीकसेशन का मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग ऑफ फाइबर्स को ही हम डीकसेशन बोलते हैं। एंड डिसेंड एज अ रूब्रो स्पाइनल ट्रैक थ्रू द मेडुला ओब्लोंगेटा एंड पॉन्स टू एंटर द लेटरल वाइट कॉलम ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। लेटरल वाइट कॉलम के अंदर आ गया था ये, और वेंट्रल टेगमेंटल डीकसेशन की जब हम बात करते हैं तो उसको हम इस डायग्राम में देख लेते हैं कि दिस वन इज द वेंट्रल टेगमेंटल डीकसेशन, दिस वन वेंट्रल टेगमेंटल डीकसेशन। फाइबर्स टर्मिनेट बाय सिनेप्सिंग विद द इंटरनेंशियल न्यूरॉन इन द एंटीरियर ग्रे कॉलम ऑफ द कॉर्ड
एंटीरियर ग्रे कॉलम में वो साइनैप्स कर गए थे इंटरनेशनल न्यूरॉन्स के साथ. न्यूरॉन्स ऑफ द रेड न्यूक्लियर रिसीव एफरेंट इंपल्सिस थ्रू द कनेक्शन विद द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जिनको हमने कहा था कॉर्टिकोरुब्रल फाइबर्स एंड द सेरिबेलम, जो आए थे ग्लोबोस और इम्बोलीफॉर्म न्यूक्लियस के थ्रू. सो इट इज एन इंपॉर्टेंट इनडायरेक्ट पाथवे बाय विच सेरिब्रल कॉर्टेक्स एंड सेरिबेलम कैन इन्फ्लुएंस अल्फा एंड गैमा मोटर न्यूरोनल एक्टिविटी. ये एक पाथवे प्रोवाइड कर रहा है कॉर्टेक्स को और सेरिबेलम को कि वो इन्फ्लुएंस कर सकें अल्फा एंड गैमा मोटर न्यूरोन्स की एक्टिविटी को. यानी क्या कि कॉर्टेक्स भी इस पाथवे के थ्रू अल्फा एंड गैमा मोटर न्यूरॉन्स की एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. उसके अलावा सेरिबेलम, जिसको जिसके पास तमाम इन्फॉर्मेशन होती है कि बॉडी का कौन सा मसल कितनी टेंशन में मौजूद है, कौन सी पोजीशन में मौजूद है, उसकी कितनी लेंथ है, सारा कुछ सारी इन्फॉर्मेशन सेरिबेलम के पास होती है. तो इस पाथवे के थ्रू वो इन्फ्लुएंस कर सकता है अल्फा एंड गैमा मोटर न्यूरॉन्स को. So this was all about the rubrospinal tract. If you like this video, then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.